मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम बालगंज में दोपहर को अपहरण के मामले को लेकर 100 से अधिक लोगों ने हमला बोल दिया। कई लोग इस हमले में घायल भी हो गए। बता दें कि एक दिन पहले ही रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम डायली के सरपंच बद्रीलाल दायमा का फिल्म स्टाइल से सगाई विवाद को लेकर अपहरण कर लिया गया था। दायमा बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रोका और मारपीट करते हुए कुछ लोगों ने बुलेरो में उन्हें बैठा लिया। इस घटनाक्रम का सोशल मीडिया में वीडियो जमकर वायरल हुआ था और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरपंच के अपहरण का मामला दर्ज किया था। आज गुरुवार को हजारों लोग ट्रक और अन्य वाहनों से बालगंज गांव में हमला करने के लिए पहुंचे। इसी बीच पुलिस को खबर हो गई थी। मनासा टीआई केएल डांगी दलबल के साथ गांव में पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। कई लोग इस मामले में घायल भी हो गए थे। सोशल मीडिया में ट्रक और अन्य वाहनों में सवार लोगों के वीडियो भी वायरल हुए हैं, जो हमलावर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है। बताया जा रहा है कि कछावा परिवार की बालिका की सगाई डायली के दायमा परिवार में हुई थी। सगाई का विवाद कुछ माह से चल रहा था। करीब 8 दिन पहले ही ग्राम आत्री में बालगंज के प्रतिष्ठित केसुराम कछावा के साथ मारपीट की गई थी। बता दें कि डायली वालों की तरफ से यह मारपीट की घटना हुई थी। इसी घटना का बदला सरपंच बद्रीलाल दायमा के साथ हुई अपहरण की घटना को बताया जा रहा है। अपहरणकर्ताओं में से एक व्यक्ति ने अपहरण और मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया था। बद्रीलाल दायमा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और गांव के सरपंच भी हैं। उनके साथ इस तरह की मारपीट को लेकर डायली में आक्रोश है। टीआई केएल डांगी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, हमलावरों की तलाश की जा रही है, तो वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।